अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी ज़्यादा तादाद में नई वैकेंसीज आई हैं, सैकड़ों की तादाद में। दोस्तों किस पोस्ट पे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वैकेंसी या इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंच सके। दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवार इन तमाम वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दोस्तों 1 फरवरी 2021 है। ऑनलाइन आप लोगों ने अप्लाई करना है और 200-500 रुपये आप लोगों ने फीस भी जमा करवानी है, जायज कैश या इजी पैसा के थ्रू। सबसे पहले डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। इसमें दोस्तों पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर या फिर फार्म मैनेजर। टोटल इसकी 6 वैकेंसी हैं। 17वें स्केल की ये जॉब है। तालीमी काम दोस्तों इसके लिए डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन सेकेंड डिवीजन के साथ 21 से 32 साल तक की एज की लिमिट है। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। इसकी टोटल 3 वैकेंसी हैं। तालीमी कब दोस्तों इसके लिए बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सेकेंड डिवीजन के साथ। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर, इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत एमएससी या बीएससी ऑनर्स सेकंड डिवीजन के साथ एग्रीकल्चर में। 21 से 32 साल तक की एज की लिमिट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एसडीओ सिविल। इसकी टोटल 4 वैकेंसी हैं। 17वें स्केल की ये जॉब है। तालीमी काबिलियत दोस्तों बीई या बीएससी इंजीनियरिंग में। मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर या फिर एसडीओ सिविल माइनॉरिटी कोटा। टोटल इसकी 2 वैकेंसी हैं। तालीमी का भी सेम है। अगला इदारा है दोस्तों एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहली पोस्ट है फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स। तालीमी का अपने मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ या फिर बीएस डिग्री 4 साल डिग्री दोस्तों रेलिवेंट सब्जेक्ट में। 23 से 35 साल तक की एज की लिमिट है। 17वें स्केल की ये जॉब है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन, इसके लिए दोस्तों तालीमी का अपडेट मास्टर डिग्री लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। उससे अगली पोस्ट है फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स। टोटल इसकी 3 वैकेंसी हैं। तालीमी का भी सेम है। नेक्स्ट है दोस्तों मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, इसकी 3 वैकेंसी हैं। मेल लाइब्रेरियन, इसकी 2 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसमें सब अकाउंटेंट 16वें स्केल की ये जॉब है। टोटल इसकी 35 वैकेंसी हैं। उससे अगला अदारा है दोस्तों इसमें फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। इसमें मॉनिटरिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की और वेटरनरी ऑफिसर सर्जन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट। इसमें डेंटल सर्जन की 3 वैकेंसी हैं। सिटी रजिस्ट्रार या फिर एनेस्थीसिया और कंसल्टेंट की दोस्तों 6 वैकेंसी हैं, जिसमें एनेस्थीसिस्ट पैथोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट की वैकेंसी हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट स्किन, इसकी 3 वैकेंसी हैं। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट, इसकी 33 वैकेंसी हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी, इसकी एक वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट, इसकी 12 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी न्यूरोलॉजी, इसकी एक वैकेंसी है। और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, इसकी 2 वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजी, इसकी 11 वैकेंसी है। प्रोफेसर सर्जन, इसकी एक वैकेंसी है। सीनियर रजिस्ट्रार नेफ्रोलॉजी, इसकी एक वैकेंसी है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशलिस्ट एनेस्थीसियस्ट, इसकी 45 वैकेंसी है। कंसल्टेंट फिजिशियंस, इसकी एक वैकेंसी है। मेडिकल ऑफिसर, इसकी 117 वैकेंसी है। अगला इदारा दोस्तों इसमें हायर एजुकेशन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट। सबसे पहली पोस्ट है इसमें लाइब्रेरियन की। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें लेक्चरर फीमेल आर्ट्स एंड डिजाइन की। उससे अगली पोस्ट है लेक्चरर जियोग्राफी की। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर। उससे अगली पोस्ट है फीमेल लेक्चरर इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर फीमेल फिजिक्स, फीमेल एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी, इसकी 2 वैकेंसी है। फीमेल एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, इसकी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट दोस्तों इसमें होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसकी 14 वैकेंसी है। इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसकी 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें लेबर डिपार्टमेंट, इसमें सोशल मोबिलाइजर की 7 वैकेंसी है। लेबर ऑफिसर की 5 वैकेंसी है। प्लानिंग ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। रिसर्च ऑफिसर की भी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर की 1 वैकेंसी है। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 वैकेंसी है। इंस्पेक्टर की दोस्तों 1 वैकेंसी है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल 1 वैकेंसी है। उससे अगला दारा है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें स्टैटिकल असिस्टेंट की 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसमें अकाउंट असिस्टेंट की 10 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की 14 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों इसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है स्पोर्ट टूरिज्म आर्कोलॉजी म्यूजियम एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट, इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर की 12 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। सैकड़ों के तदाद में दोस्तों ये वैकेंसी नहीं है। नीचे दोस्तों इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं अप्लाई करने के हवाले से। बहुत ही ज़बरदस्त मौका है दोस्तों, आप लोगों ने पूरे केपीके से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे करना है, वेबसाइट आप लोगों के सामने मौजूद है, इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। 1 फरवरी शाम 5 बजे तक आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से बना है तो आप लोगों ने साइन इन करना, नहीं तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले साइन अप पे ये वाला फॉर्म आप लोगों ने फिलअप करना है, साइन अप करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने साइन इन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी मसला पेश आए तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस इश्तहार का लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग आसानी से इसको रीड कर सकें और अप्लाई कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।